हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गदर 2 के टोटल 21 दिन के कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ जानने वाले हैं कि 21 दिनों में इस फिल्म का टोटल कलेक्शन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर क्या रहे और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर क्या रहे। ऑडियंस की तरफ से इस मूवी को आज भी किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके साथ साथ जानेंगे अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का कलेक्शन, उस मूवी का भी 20 दिन का कितना कलेक्शन रहा और ऑडियंस की तरफ से आज भी इस मूवी को कितना लोग पसंद कर रहे हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर बने रहें अगर आप इन दोनों मूवी के कलेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सनी देओल की फिल्म गदर 2 के कलेक्शन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गदर 2 लगभग 60 से 68 करोड़ के बजट पर बनने वाली फिल्म है, जिसे पूरे इंडिया में 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। गदर 2 ने अपने पहले ही दिन 40 करोड़ की शानदार ओपनिंग ली, जबकि इसके लिस्ट में अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी थी। हम बात करें मूवी के तीसरे वीक के कलेक्शन के बारे में, तो इसने अपने तीसरे वीक में 17वें दिन 16 करोड़ की कमाई की। वहीं अपने 18वें दिन इस मूवी के कलेक्शन 4 करोड़ के रहे और इसके 19 दिन के कलेक्शन 5 करोड़ 10 लाख के रहे। और अगर हम बात करें कल के यानी टोटल इसके 20 दिन के कलेक्शन की, तो 20 दिन अपने रक्षाबंधन के दिन इसने 10 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ इस मूवी का टोटल कलेक्शन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 475 करोड़ का हो चुका था। अगर हम बात करें इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो वर्ल्ड वाइड पर इसका 630 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इसके 21 दिन के कलेक्शन की, तो अब इस पर 2 फ्री टिकट दिए जा रहे हैं। अब तक इस मूवी को फुटफॉल्स में 3 करोड़ 20 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। आज अपने 21वें दिन लगभग 9.5 करोड़ के आंकड़े को आसानी से टच कर रही है। इसके टोटल कलेक्शन की बात करें 21 दिनों का, तो आज को मिलाकर इस मूवी का टोटल कलेक्शन 484 करोड़ का हो चुका होगा। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें, तो वर्ल्ड वाइड पर इस मूवी का कलेक्शन 640 करोड़ का हो चुका होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड पर इसका क्या कलेक्शन है। 60 करोड़ के बजट पर बनने वाली यह फिल्म 2012 में आई OMG का सिक्वल है। इस मूवी में आपको अक्षय कुमार, यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी नजर आए हैं। हम बात कर लेते हैं इसके 17 दिन में टोटल कलेक्शन की, तो 135 करोड़ 13 दिनों का टोटल कलेक्शन 135 करोड़ 93 लाख का था। बात करें इसके 18वें दिन के कलेक्शन की, तो 18वें दिन अपने 1 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया। वहीं अपने 19वें दिन 1 करोड़ 35 लाख का कलेक्शन किया। ऐसे में टोटल 19 दिन का कलेक्शन 138 करोड़ 47 लाख का हो चुका था। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें, तो वर्ल्ड वाइड में 19 दिनों का कलेक्शन 202 करोड़ का हो चुका था। अगर हम बात करें इसके टोटल 20 दिनों का कलेक्शन का, तो 20 दिनों का टोटल कलेक्शन 140 करोड़ 20 लाख का हो चुका है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 205 करोड़ का हो चुका है। दोनों मूवी में से कौन सी मूवी आपको ज़्यादा अच्छी लगी, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।